नमस्कार, मैं नमिता दीक्षित और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में बुधवार को आपके नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की थी। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही है। ईडी ने पिछले कई दिनों में मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें संजय सिंह का नाम भी सामने आया। आपको बता दें, संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई को आपने राजनीतिक बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और पुलिस सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। कल पत्रकारों के परिसर पर छापे मारे थे और आज संजय सिंह के परिसर पर ऐसे कई छापे मारे जाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार के वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के लिए लाई गई आबकारी नीति की ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आपने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखते रहें पंजाब केसरी.com।